नमस्कार। बड़ा हर्ष का विषय है, आज विद्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जब उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के भैया क्षितिज सक्सेना, जिन्होंने 97% मार्क्स गेन किए हैं और उन्होंने पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूरे बोर्ड में 5वां स्थान प्राप्त किया है, मैं सभी छात्रों से, उनके सभी मित्रों से उनके प्रोत्साहन के लिए एक बार बहुत जोरदार क्लैपिंग करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री डॉक्टर श्री रवि शरण सिंह चौहान जी, जिनके अथक प्रयास से, उनकी योजना के द्वारा जो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, प्रधानाचार्य जी के लिए भी मैं छात्रों से कहूंगा उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। मैं भैया को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, भैया क्षितिज सक्सेना यहाँ पर आए, और मैं बताना चाहता हूँ कि इनके सभी विषयों में 97% मार्क्स हैं और खास तौर से आर्ट में देखा जाए तो 99 नंबर इन्होंने गेन किए हैं और मैथ में 98 मार्क्स हैं इनके। भैया मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत की वो किस तरीके से की? मैंने दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई की और मेरे सभी गुरुजनों ने मेरा इसमें बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, नाना जी ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई। मैं इनके नाना जी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, नाना जी यहाँ पर मौजूद है, आ जाए जी। जी नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, क्षितिज शर्मा के, क्षितिज सक्सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई हो। अगले भैया है हमारे केशव कुमार, कक्षा 6 से यहाँ पर अध्ययनरत है और कक्षा 6 से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 से लगातार अपने स्थान को बरकरार रखे हुए हैं, उसी कड़ी में आज इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, इनके 600 में से 574 मार्क्स आए हैं। आप अपनी इस सफलता का श्रेय के बारे में कुछ बताइए। मेरी सफलता श्रेय गुरुजनों और मेरे माता पिता को जाता है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। थोड़ा बैठते हैं। मेरे सपोर्ट गुरुजनों और माता पिता को बड़ा सहयोग रहा है मेरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जितिन बाबू जो भैया यहाँ पर नहीं आए हैं, इन्होंने 569 आउट ऑफ 600 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। निशांत कुमार वो भी यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है, उन्होंने 568 अंक अर्जित किए हैं। भैया हर्षित गंगवार हमारे सामने उपस्थित हैं, इन्होंने 564 अंक 600 में से प्राप्त किए हैं। आप अपनी सफलता के बारे में हम लोगों को बताइए। मेरी सफलता का मुख्य कारण स्वाध्याय था और हमारे विद्यालय के सभी गुरुजन जिन्होंने अपने अथक प्रयास से हम सबको पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि हम आज इतने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर पर है भैया विपिन कुमार, इन्होंने भी 564 अंक जो है प्राप्त किए हैं। भैया विपिन कुमार आप अपनी सफलता के श्रेय के बारे में बताइए। मैंने ये सफलता गुरुजनों और अपने परिवार के माध्यम से प्राप्त की है। इस सफलता के लिए मेरे गुरुजनों और मेरे परिवार के सदस्यों ने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया राघव अग्रवाल, इन्होंने 563 अंक प्राप्त किए हैं। भैया राघव अग्रवाल और माता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। आप भैया राघव, आप यहाँ कक्षा 6 से अध्ययनरत हैं, आप अपनी सफलता के बारे में बताएं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों खास करके सत्येंद्र जी को देना चाहता हूँ। मेरे मैथ में 99 नंबर आए केवल सत्येंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। 99 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं गणित विषय में। भैया पारस गंगवार वो आए नहीं हैं, उनके 562 नंबर हैं। माधव माहेश्वरी 561 नंबर हैं इनके। उत्कर्ष मजोहिया, भैया उत्कर्ष मजोहिया आपने भी 561 अंक प्राप्त किए हैं। आप अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरी सफलता का मुख्य कारण जितने भी विषयाचार्य रहे हैं उन सबका काफ़ी साथ मिला और कक्षाचार्य जी ने भी काफ़ी मदद करी। वो रोज सुबह फ़ोन करते थे, पूछते थे कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया दीपक शर्मा, इन्होंने 560 अंक अर्जित किए हैं। भैया दीपक शर्मा आप ही बताएं अपने बारे में। सदस्यों
मतलब आपके गुरुजनों ने आपकी बहुत मदद की है हर विषय में, कहीं से भी आपको अगर कोई परेशानी हुई तो आपके गुरुजनों ने आपका पूरा सहयोग किया है। माता पिता का भी बहुत सहयोग है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। भैया आदित्य गंगवार, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किया, जिससे मैं इतने नंबर ला पाया हूँ। और स्कूल में हुए प्री बोर्डों से काफ़ी प्रयासों से हमने अच्छे नंबर हासिल किए, इससे भी हमारा मनोबल बढ़ा और हम इतने अच्छे नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य कुमार पांडे, भैया लक्ष्य कुमार पांडे आपके सामने हैं, आप अपनी सफलता के बारे में कुछ बताएं। उसी से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सागर नहीं आए, इन्होंने 551 अंक अर्जित किए हैं। जसवंत वर्मा ये भी नहीं आए हैं, इन्होंने 550 अंक अर्जित किए हैं। ध्रुव मेहरोत्रा 546 अंक आपने प्राप्त किए हैं, आप कक्षा 6 से यहाँ पर अध्ययनरत हैं, आप अपने बारे में बताइए जरा। सर, मैं टेंथ की में पढ़ता हूँ, टेंथ में आया हूँ, और मैं अपने इतने अच्छे मार्क्स का सारा श्रेय जो है अपने गुरुजनों को और विद्यालय परिवार को देना चाहूँगा। हमारे प्रधानाचार्य जी जिन्होंने प्री बोर्ड करा के, भले ही ये कठिन था समय हमारे लिए, लेकिन इस कठिन समय में उन्होंने इन प्रयासों के फलस्वरूप हमें बोर्ड के लिए पूरा पक्के तरीके से तैयार किया और आज हमारी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, मैं उनका पूरा श्रेय दिया जाऊँगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब ऋतिक पटेल भैया आए, ये आए नहीं है, इन्होंने 540 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे हमारे साथ में और भी भैया लोग हैं, इन सभी के जितने भी परसेंटेज हैं वो जिन्होंने 600 में से 500 या 500 से ऊपर अंक अर्जित किए हैं, ये सभी भैया आपके सामने आएंगे और अपने अंकों को बताएंगे, इन्होंने कितने प्रतिशत अंक यहाँ पर अर्जित किए हैं और अपनी अपनी सफलता का श्रेय बताते चले जाएंगे। आयुष सिंह भैया, आयुष सिंह मैं अपनी सारी क्लास बताइए, सेक्शन बताइए, क्लास 10th डी। मैं अपनी सारी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों एवं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचा हूँ। मेरे कुल अंक 542 आए हैं और मैं बस यही धन्यवाद। अनुज गंगवार, क्लास 10th डी, 600 में से सर 535 सर अंक प्राप्त किए हैं। सर इन सर अपने अंकों का श्रेय सर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने सर इतने कठिन समय में सर 5-5, 6-6 बार सर प्री बोर्ड हम लोगों के कराए, जिससे सर हमें हमारा जो सिलेबस था वो तैयार होता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया। मेरा नाम अमित पाल है, मैं 10th बी में पढ़ता हूँ। मेरी सफलता के लिए हमारे सब्जेक्ट के गुरुजनों ने काफ़ी प्रयास किया, बताया, समझाया, उस हिसाब से हमारा मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत। अनुराग सिंह, कक्षा 10th, इसका मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने विद्यालय के गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी शिक्षा में मुझे पूरा साथ दिया और मेरे को कोई भी डाउट होता था तो मेरे पूरा सॉल्व किया। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं 10th बी का हूँ। मेरे अच्छे नंबर आने में मेरे गुरुजी और विद्यालय का पूरा सहयोग है और मैंने समय के अनुसार पढ़ाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं 10th बी का छात्र हूँ और मेरे 506 नंबर हैं और मेरी कक्षा चार सभी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं 10th 800 छात्र, मेरे 600 में से 531 नंबर हैं। मेरे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य सब ने बहुत मेहनत में और मेहनत की हमें माता पिता ने। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मेरा नाम दीपांश सक्सेना है, मैं क्लास 10th बी में स्टूडेंट हूँ और मैंने 532 अंक प्राप्त किए हैं और मेरे शिक्षकों का मेरे लिए बहुत ही है। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं क्लास 10th F में हूँ। मेरे सभी विषयाचार्यों ने मेरी बहुत मदद करी और हमारे विद्यालय में 3-4 बार प्री बोर्ड परीक्षा हुई, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई और मेरे 600 में से 524 अंक प्राप्त। मेरा नाम आर्यन मोदी है, मैं कक्षा 10th 10th A का छात्र हूँ। मैंने 87.60 अंक प्राप्त किए, मैं अपने सफलता से कक्षा साथी एवं सब्जेक्ट टीचर को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारे जो कक्षा 10 के छात्र उपस्थित थे, विद्यालय परिवार हमेशा ही समस्त छात्रों को अग्रसर करता रहा है कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हम क्या करके उनको किस तरीके से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं, उनको कितनी मेहनत कराई जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उनको समझाते रहते हैं।
और साथ में विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान जी, वो भी समय समय पर छात्रों को मार्गदर्शित करते रहते हैं कि उनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई का सेटअप बनाना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को जो है पढ़ाई के अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले भविष्य में भी अपनी परीक्षाओं में जिस तरीके से इस बार ये सफल हुए हैं, भविष्य में भी इसी तरीके से सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वैभव नगर बरेली में आज जो यूपी बोर्ड से प्रकाशित जो परीक्षा फल आया है उत्तम रिजल्ट रहा है और प्रधानाचार्य के नाते तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन हमारे हिसाब से भी संतोषजनक है, लेकिन समाज और बच्चे अभिभावकों की दृष्टि से उत्तम है, तो उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई, गुर गुर प्रशंसा करता हूँ। और जो उत्तर प्रदेश मेरिट सूची में पांचवा स्थान हाई स्कूल में जो आया है, तो वह थोड़ी परिश्रम मेहनत और हो जाती छात्र के द्वारा, हम सबके द्वारा, तो पहला दूसरा भी स्थान विद्यालय का हो सकता था। इंटर में भी जो बच्चों ने अपना स्थान लाए हैं और टॉप 10 की सूची में हाई स्कूल और इंटर में अधिकांश छात्र जय नारायण सरस्वती विद्यामंडल कॉलेज इसी विद्यालय के हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई। अभिभावक, आचार्य, कर्मचारी, प्रबंध समिति को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। छात्रों को आपसे मिलवाया था, अब उसी कड़ी में आप विद्यालय के जो उन छात्रों के मार्गदर्शक हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उन जिनके कारण आज छात्र जो है इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्नचित मुद्रा में है और अपने आप को फूला नहीं समा रहे हैं, केवल और केवल हमारी जो टीम है उसके अधिक प्रयास से, अधिक कठिन परिश्रम से, जिसके कारण आज ये सब कुछ संभव हुआ है। तो मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ भैया क्षितिज जो सक्सेना थे, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनके कक्षाचार्य श्रीमान अतुल कुमार पांडे जी से। ये हमारे श्रीमान अतुल कुमार पांडे जी हैं, हिंदी के जो है उनके अध्यापक हैं। मैं श्रीमान अतुल कुमार पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वो जिस तरीके से उन्होंने बच्चे को तैयार किया, क्या उनके सामने समस्या आई और किस तरीके से उन्होंने कठिन परिश्रम किया, उसके लिए क्या क्या किया, वो बताने का जरा कष्ट करें भाई साहब। देखिए, बच्चे जो हैं, बच्चों की ही मेहनत, परिश्रम बच्चों का ही होता है, लेकिन टीचर का काम बच्चों को मोटिवेट करना होता है, बच्चों को में उत्साह भरना शिक्षक का कार्य होता है। तो हम बच्चों को इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि बच्चे आपस में उनकी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में वो एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो बच्चे अपने आप से अपनी योग्यता में निरंतर वृद्धि करते चले जाते हैं, तो यही जो पैटर्न है और कुछ बाकी सब प्रभु की कृपा है, कृपा है और सरस्वती का आशीर्वाद है विद्यालय पर। जी जी जी, अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे दूसरे जो कि कहा जाए कि ये सर्वगुण संपन्न, ऐसा शायद ही कोई कार्य हो जिसमें हमारे भाई साहब की सहभागिता ना रहती हो। भाई साहब बिल्कुल हर फन मौला है। इनका नाम है श्रीमान संजय विसारिया जी, हिंदी के और संगीत के जो है अध्यापक हैं यहाँ पर। और मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वो छात्र की सफलताओं के अपने जो विद्यालय का रिजल्ट रहा है उसके बारे में अपने दो शब्द रखें। धन्यवाद जी। हमारे यहाँ जो रिजल्ट निकला है उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि बच्चे हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हम लोग उन्हें छोटा सा एक क्लू दे देते हैं कि जैसे आपको इतिहास पर आज 5 वाक्य बोलने हैं और 5 कवियों के, 5 लेखकों के इस तरह के नाम करने हैं, एक कोई पजल दे दी, कोई छोटी सी उनको एक समस्या दे दी, उसका बच्चे आपस में ग्रुप डिस्कस करके और उसके बाद फिर रिजल्ट निकालते हैं, फिर हम लोग आपस में तय करते हैं कि हाँ देखो ये रिजल्ट इनका रहा, तो उसी हिसाब से फिर हम उनकी तैयारी के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। विशेष तौर पे जो हमारे यहाँ कक्षाएं हैं उसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हम एक ही बच्चे पर लग रहे हैं, कई बच्चों पर हम फोकस करते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आप सबके सामने। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जो हमारी अगली कड़ी है, हमारे अंग्रेजी के सहायक अध्यापक श्री ब्रह्मनंदन पारासरी जी, अटिन बहुत ही अडिग हैं, अपने जो भी कार्यकलाप हैं इनके वो बिल्कुल विशेष रूप से करते हैं,
और पूरा मन लगाकर और लगन के साथ में छात्रों के साथ लगे रहते हैं। भाई साहब से निवेदन है कि वो भी अपने दो शब्द रखें छात्रों की सफलताओं के बारे में। अंग्रेजी विषय का हमारे छात्रों का परिणाम बहुत बढ़िया रहा है। इसमें हम समय समय पर छात्रों के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको हल कराते हैं, और बच्चे के लिए हम तो 9th क्लास से ही प्रिपेयर करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, और इसका परिणाम आप सभी के समक्ष है। धन्यवाद। अब हमारे समक्ष प्रस्तुत है भैया हमारे श्रीमान पांडे जी, प्रमोद पांडे जी, जो कि छात्रों को गणित विषय पढ़ाते हैं। इस समय अगर आपको देखा जाए तो जो हमारे भैया हैं उन्होंने, कई सारे भैया ऐसे हैं जिन्होंने गणित विषय में 99 अंक जो है वो अर्जित किए हैं, और वो सब हमारे जो गणित के सर हैं श्रीमान पांडे जी हैं, और एक सर हमारे अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं श्रीमान सत्येंद्र शर्मा जी, और दोनों ने इतना कठिन परिश्रम छात्रों के साथ किया, जितना मेहनत छात्र करते थे उतनी ही मेहनत के साथ जो है हमारे शिक्षक भी लगे रहते थे, जिस कारण आज विद्यालय अपनी इस सफलता को अर्जित कर पाया है। मैं श्रीमान पांडे जी से कहता हूं कि वो भी अपने दो शब्द हम सभी के समक्ष रखें। श्रीमान पांडे जी, गणित शिक्षण में सबसे पहले हम वैदिक गणित के माध्यम से बच्चों को उनको एकाग्र चित्त करते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक को समझाते हैं और बच्चों को टॉपिक सही से समझ में आ जाता है, उसका हम बार बार पुनरावृत्ति भी कराते हैं। और इसके लिए हमने देखा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं NCERT वो सबसे ही बेस्ट पाठ्य पुस्तक है, उसकी सामग्री भी बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई है, और जिसके माध्यम से बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और हमने चार चार बार अपनी पुस्तक को करवा दिया है, जिसके कारण से बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, और 99 भी है, 100 नहीं है, मुझे अफसोस है कि 100 नंबर भी होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे परीक्षक महोदय पूरे नंबर देने में थोड़ा परहेज करते हैं। हालांकि पिछले गत सत्रों में ऐसे हमारे 100 में 100 एक बार 10 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए थे, ऐसे 100 भी आए, लेकिन इस बार नहीं आए, मुझे अफसोस है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हमारा जो विषय है सामाजिक विषय, जिसमें छात्र वास्तव में अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, तो कहने का मतलब ये है उन बेसहाराओं के आज ये सहारा बने हैं हमारे श्रीमान राकेश शर्मा जी, जिन्होंने अगर देखा जाए तो हमारे जो हाईस्कूल में बच्चे बैठे थे 319, उन 319 बच्चों में 223 बच्चे हमारे ऐसे निकले हैं, लिस्ट में अंकित है कि 223 बच्चों ने 96 से 97 अंक तक अर्जित किए हैं। दोनों को लगा के जो हम लोगों ने अभी रेशियो निकाला है तो 223 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 96 और 97 अंक दोनों को मिलाकर हमारे अर्जित किए हैं। भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने उन जो अपने आप को सामाजिक विषय में बच्चे बेसहारा समझते हैं, और देखा जाए तो आप कहीं भी देखिएगा तो सामाजिक में सबसे कम अंक आते हैं, लेकिन विद्यालय ने इस बार सामाजिक विषय में वो सफलता अर्जित की है, मेरे ख्याल से मैंने अपने इस 17-18 साल के कैरियर में कभी नहीं देखी इतनी बड़ी सफलता, और वो भी सामाजिक विषय जैसे विषय में, जिसमें काफ़ी कुछ ऐसा आता है कि ये नक्शा भरना है कि उसके बारे में, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आधे आधे नंबर के, उसके बावजूद भी छात्र 97 अंक तक पहुँचे और इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे, भाई साहब के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि वो अपने दो शब्द हम सभी के समक्ष रखें। श्रीमान राकेश शर्मा जी, इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित छात्रों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब कि हमने शुरू से ही प्रयास किया था कि सामाजिक विज्ञान में छात्र अच्छे अंक प्राप्त करें, इसके लिए हमने 3 प्री बोर्ड जैसे लगातार अभ्यास करने से कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो हमने 3 बार जो थे वो प्री बोर्ड एग्जाम लिया और बेहतर से बेहतर, गुड बेटर बेस्ट, जो उनकी कमियां थी वो हम दूर करते गए। हमने 3 बार जो थे आपकी प्री बोर्ड एग्जाम लिए, जिसका बेहतर परिणाम निकला। आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर रवि शरण सिंह जी चौहान, उनके संकल्प से, उनकी मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से, उनका ये संकल्प था कि इस बार हम मंडल में आए हैं, पिछली बार मंडल में प्रथम स्थान था, प्रदेश में हम अच्छा स्थान प्राप्त करें, और छात्रों की मेहनत से, उनके मार्गदर्शन से, जो भी उनकी समस्याएं थी उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कक्षा में उन सब समस्याओं का समाधान किया गया, और उसका बेहतर परिणाम आज सामने है, और मेरे कार्यकाल का ये सबसे बेहतर परिणाम है, सबसे ज़्यादा सफल परिणाम है इस वर्ष का सामाजिक विज्ञान। धन्यवाद। धन्यवाद। एक मिनट।
अब कहते हैं ना कि जो छात्र हमारा होता है उसकी जो नींव होती है वो कक्षा 6 से होती है, और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6, 7 और 8 ये तीन कक्षाएं ऐसी होती हैं कि अगर छात्र को उसी समय अगर मजबूती मिल जाती है तो वो छात्र वास्तव में आगे जाकर तरक्की करता है। उसी श्रेणी में श्रीमान गणेश जी हैं हमारे और श्रीमान बालेश शर्मा जी हैं, ये दोनों हमारे धुरंधर हैं। हमारे श्रीमान गणेश जी अंग्रेजी जो है कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं, श्रीमान बालेन जी कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं। जो आज जो सफलता है जो गणित विषय में है या अंग्रेजी विषय में है, कुछ ऐसे हमारे आचार्य बंधु हैं, शिक्षक बंधु हैं जो अभी काम में लगे हुए हैं क्योंकि वो फीडिंग में लगे हुए हैं किस तरीके से क्या क्या करना है। तो जो मेहनत है जो नींव है वो वास्तव में देखा जाए तो वो कक्षा 6, 7, 8 से होती है बालक की, और वो उस नींव को रखने में हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो अहम भूमिका अदा करते हैं। और इसी के साथ में मैं अपनी जो इस बात है जो बड़े हर्ष के साथ में सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को का आभार प्रकट करता हूँ जो विद्यालय में हमारे आए, अभिभावक बंधु आए, पत्रकार बंधु आए, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार जिन्होंने इस सफलता में अपनी साझेदारी सम्मिलित की, बहुत बहुत धन्यवाद।